जब जब नारियों का शोषण और अपमान हुआ है, ये देश हिल गया है। जब देवताओं में नहीं चला तो इंसानों में चलेगा क्या जी? आप कैसी बात करते हो? हमारी महिलाएं रो रही हैं। भारत देश है, भारत की सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में महिलाओं का अपमान हो रहा है, हमारे खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है, उनके गौरव के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यही न्याय है, यही देखो महिलाओं के सम्मान में किसान कांग्रेस मैदान में, मैं एक किसान हूँ, पगड़ी बांध के आई हूँ, किसानों की पगड़ी है जी, हम खेती करते हैं। आज हमारे बहनों की इज्जत का सवाल है, आज उनके सपोर्ट में मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ी हूँ, चाहे जो हो जाए, चाहे गंगा इधर से उधर हो जाए, लेकिन अपनी बहनों के सम्मान में मैं कांग्रेस की साथ भी हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहूंगी। प्रोटेस्ट कर रहे तो घर बसा नहीं क्या? जो आरोप लगा रहे हैं क्या, पूरे तकिया बेड सब कुछ लेके आ जा रहे थे आप लोग? कहाँ जाएंगी बहने, पानी चू रहा है, कहाँ जाएंगी? हाँ, आप तो महलों में सो रहे हैं, उन्होंने तो अगर चार पाई और तख्ता मंगा लिया तो क्या गुनाह कर दिया? वो भारत का गौरव है, उनके लिए और सारी सुविधा हो जाए तो भी कोई कम नहीं है जी। माता सीता मैया का जिस तरह आंसू अशोक वाटिका में गिरे थे, वैसे आज हमारे बहनों का आंसू जंतर मंतर की धरती पे गिरे हैं। ये आंसू से लाभ लाएंगे, इसको प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, अभी भी समय है, हमारी बहनों के बीच में आइए और माफी मांगिए, उन्हें न्याय दिलाइए। अगर 45 साल रहोगे ना तो अब यही भारत की जनता बताएगी कि आप कई साल रहोगे, जब जब नारियों का शोषण और अपमान हुआ है, ये देश हिल गया है। जब देवताओं में नहीं चला तो इंसानों में चलेगा क्या जी? आप कैसी बात करते हो? हमारी महिलाएं रो रही हैं। भारत देश है, भारत की सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में महिलाओं का अपमान हो रहा है, हमारे खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है, उनके गौरव के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यही न्याय है, यही भारत देश का संविधान है, इस संविधान के तहत भारत देश चलेगा। हम नहीं मानते, हम प्रधानमंत्री से आह्वान करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सबके प्रधानमंत्री हैं, आप चुप्पी क्यों साधे हैं? आइए अपनी चुप्पी खोलिए और हमारे बहन बेटियों को न्याय दिलाइए। सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में और निचली अदालत में कहा कि आप जाके डालिए जो भी बात है, केस को पारित कर दिया है, बोला हाई कोर्ट जाइए आप। क्यों हाई कोर्ट जाए? आपने जब FIR हो गया है तो दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? उनको गिरफ्तार करिए, उनको गिरफ्तार कराए और हमारी बहनों के साथ न्याय मिले, नहीं तो यह दूसरा आंदोलन होगा। जैसे हमने अपने किसान भाइयों को न्याय दिलाया था ना, वैसे अपने बहनों को न्याय दिलाएंगे, अपनी बहनों को न्याय दिलाएंगे। उनके सम्मान में ये जान भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कर रहे हैं यहाँ पर कोई हम पूछे हैं, आपकी बहन बेटियों के साथ हो जाएगा तो उनके हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे क्या? आप उनको न्याय नहीं दिलाएंगे क्या? क्यों हम चुप्पी साधे, हम चुप्पी साध के बैठ जाए? हमारे साथ इतना बड़ा कांड हो गया और भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है, गृह मंत्री कह रहा है, आप दूसरी कोर्ट जाओ, शर्म की बात है। भारत देश शर्म से झुक गया, जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। प्रदूषण पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही आपके हिसाब से? तो हमारे प्रधानमंत्री चाहे, हमारे गृह मंत्री चाहे तो आज उन पर कार्रवाई हो जाए, आज महिलाओं को न्याय मिल जाए, हमारे खिलाड़ियों को न्याय मिल जाए, लेकिन वो चाहते ही नहीं। पता नहीं क्या है, क्यों डरते हैं उनसे? अरे आज दिखा दिया ना, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लायर आए थे, हाई कोर्ट के लायर आए थे, 30,000 कोर्ट के लायर आए थे, बट सारे देश के लायर आ रहे हैं। यही फंडिंग है जो कह रहे हो, फंडिंग कहाँ से आ रही है ना, यही फंडिंग है, यही वकील निपक्ष बिना पैसा लिए केस लड़ेंगे और अपनी बहन बेटियों को न्याय दिलाएंगे। कैसी बात करते हो आप? आप भी उसी साजिश में शामिल हो क्या, जो रात का जो है हमारी बहन बेटियों को चैनल पे नहीं दिखाया जाता, गोदी मीडिया भाग जाती है? आप भी शामिल हो? विधायक के चुनाव की तैयारी चल रही है हरियाणा में, इसलिए सब चल रहा है। अरे कोई तैयारी नहीं चल रही है, ये भारत की जनता और हमारी बहन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, उनको न्याय दिलाएंगे हम, यही सच्चाई है। वही ताकत आ गई शाहीन बाग वाली और किसान आंदोलन। यहाँ कोई शाहीन बाग नहीं है, यहाँ हमारे देश के गौरव की लड़ाई है, देश के गौरव का सम्मान है, उस सम्मान को हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। आप गिरफ्तार करा दीजिए, बहन बेटियों को न्याय दिला दीजिए, हम जंतर मंतर से चले जाएंगे। पद पुलिस के द्वारा बजाय कि सांसद के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय अब बेटियों को रात को प्रताड़ित किया जाता है, क्या यही मेरा भारत देश है क्या? ये भारत देश जो देवी, भारत देश में जो औरतों का सम्मान देवी कह के करा जाता है, आज उस भारत देश में बेटियां सड़क पर रो रही हैं, और ये भारत देश के सम्मान है, ये भारत देश का ही सम्मान नहीं है, ये बेटियां ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, ये महिला, और ये पूरे ब्रह्मांड का सम्मान है ये बेटियां, और भारत देश के सम्मान को
आघात करने का हक मोदी को भी नहीं है, किसी गृह मंत्री को भी नहीं है, किसी प्रधानमंत्री को भी नहीं है। मैं आह्वान करती हूँ और मैं गुहार करती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से, अगर इनके अंदर कहीं जरा सी भी शर्म बची है तो इन बेटियों से आके माफी मांगे, सांसद ब्रजभूषण माफी मांगे और उन पर कार्रवाई करे और वो अपना जो एमपी जो पद है उससे जो है सदस्यता अपनी। देखो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं कही है, ईडी भी नहीं की है, सीबीआई भी नहीं की है, पुलिस भी नहीं की है, ये तानाशाह लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हैं गद्दी पर। सुप्रीम कोर्ट भी एक जरिया है, उसके द्वारा बोल दिया गया कि अब हाई कोर्ट में चले जाओ, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में भेज देंगे, बस ये इधर से उधर डोलाते रहेंगे। इतने इनका जो है कर्नाटक का इलेक्शन आता देखो ऐसा है, बेटी जो बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा था, उन्होंने बोला था ना बेटी जो बचाओ और बेटी पटाओ, तो ये सांसद पटाई तो रहे ना सभी बेटियों को, कोशिश तो है ना इनकी पटाने की, तो फिर क्यों नहीं है इनके ऊपर कार्रवाई कर। जब खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसी व्याख्या बोलते हैं तो प्रधान जो आज भी चुप दिखा चुप, अगर मोदी जी चुप है ना इस बात को लेके, तो यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी इस मामले को गहनता से लेना नहीं चाहते, उनका भी कहीं ना कहीं इंटेंशन नहीं है औरतों को लेके। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि हरियाणा के अलावा कहीं और के खिलाड़ी आगे बढ़े, इसलिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो इसके खिलाड़ी हरियाणा के नहीं है, देखो ऐसा है किसी भी खिलाड़ी है, भारत देश की कोई भी बेटी है, कोई भी बेटा है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है खिलाड़ी बनने का। और ब्रजभूषण कौन डिसाइड करने वाला है कि कौन खिलाड़ी बनेगा और कौन नहीं बनेगा? ये बहन बेटियां है ना जो जिस गेम की खिलाड़ी है ना, ये जो है ना कुश्ती की खिलाड़ी है, इसमें सबसे ज़्यादा दम लगता है। जब इतनी दमदार बेटियों की हालत आज देश के अंदर ये है, तो औरतों की हालत क्या होगी देश के अंदर।